ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है वो 14 अगस्त का दिन, जिस दिन सावन की शिवरात्रि पड़ रही है और गुरुजी कराएंगे टीवी पे बैठ करके ऑनलाइन पूजा, जिसका लाभ हम सभी लोग अपने घर पे उठा पाएंगे ना। काफ़ी लोग पूछ रहे थे, भैया कितने शिवलिंग बनाना है, क्या करना है? तो इस बार आपको 3 शिवलिंग बनाना होगा इस बार की पूजा में। थोड़ा सा नया होगा आज की इस वीडियो के, जो भी जानकारी आपको दूंगा तो सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, कोई भी गलती नहीं करनी है। सारे के सारे डाउट इस पूरी वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। सभी को पूजन करना है बहुत ध्यान से, वीडियो को लाइक करना या ना करना लेकिन शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो समझते हैं। सबसे पहले जो मैंने स्क्रीन पर लिखा था कि भैया 3 शिवलिंग कैसे बनाना है, हर बार तो हम एक ही शिवलिंग बनाते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। तो इस बार भी हम एक ही शिवलिंग बनाएंगे लेकिन साथ में 2 चीजों को और बनाएंगे। फिर कहोगे भैया वो कौन सी चीजें हैं? देखो, अगर इस बार आप लोगों ने पूजन गुरुजी ने जो कराया था अभी 15 जुलाई को, उस दिन अगर पूजन किया होगा तो हम लोग जब पहले पूजन करते हैं किसकी करते हैं? भगवान गणेश की करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब मैं भी पूजन करने के लिए बैठा तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो कहे कि भगवान गणेश को 3 बार ये चढ़ाओ, फिर सिंदूर चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, अब मेरे पास थे ही नहीं। तो मुझे उस दिन भी याद आया था कि अब हमें 3 चीज़ों को बनाना चाहिए। पहला तो महादेव के शिवलिंग को तो हमें बनाना ही बनाना चाहिए, साथ ही साथ महादेव के शिवलिंग के साथ 2 छोटी छोटी पिंडी भी बनाना चाहिए, क्योंकि ये पिंडी किसकी होगी? तो शिवलिंग के साथ आपको 2 पिंडी बनानी होगी। एक को आप भगवान गणेश की स्मृति के साथ बनाएंगे और दूसरा माता गौरी की स्मृति के साथ बनाना होगा, ठीक है। इस बात को समझ में आई? अब अगर आपके पास में नज़दीक में कहीं गोबर मिल जाए, गऊ माता का गोबर मिल जाए, तो आप गोबर से बना लोगे तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। हम लोग यहाँ देखो, कभी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो गोबर से बनाई जाती है, गौरी माता गौरी की, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो हमें भी इसी तरीके से भगवान गणेश की और माता गौरी की इस तरीके से गोबर से बनानी होगी, छोटी छोटी पिंडी बनाना। लेकिन अगर आप बहुत बड़े शहर में रहते हो, नहीं मिल पाता है, तो चाहो तो मिट्टी से बना सकते हो छोटी छोटी पिंडियां। लेकिन अगर मिट्टी भी नहीं मिल पा रही है आपको कि नहीं भैया मिट्टी से नहीं बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे? 2 सुपारी लेना। कितनी? 2 सुपारी लेना। एक सुपारी को भगवान गणेश की स्मृति के साथ रख देना और दूसरी सुपारी को मान लेना माता गौरी है। जिस सुपारी को भगवान गणेश का मानना, उस पर आप क्या करेंगे, जो मौली आती है, कलावा आता है, रक्षा सूत्र आता है, उसको लपेट देना और भगवान गणेश का स्मरण कर लेना। और दूसरी में होगी, जो आपके पास अगर पीला सिंदूर होगा तो पीला सिंदूर चढ़ा करके आप भगवान गौरी माता गौरी का स्मरण कर सकते हो, ठीक है। तो 3 शिवलिंग वाली बात थी। अब 3 शिवलिंग बड़े बड़े नहीं बनाना है, बनाना तो 3 ही स्मृति है, एक बड़ा शिवलिंग बनाओगे और एक छोटी छोटी पिंडी बनाना होगा भगवान गणेश के नाम की और माता गौरी के नाम की। इस चीज़ का ध्यान रखना, इस बार जब पूजन करेंगे ना तो आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर याद आएगी, अच्छा भैया ने बता दिया था, चलो अच्छा किया। क्योंकि इस बार मुझसे भी गलतियाँ हुई थी तो मुझे लगा ये गलती हम सभी ने की होगी तो सुधारते सभी लोग हैं, ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो पहला डाउट तो मुझे लगता है 3 शिवलिंग वाला आपका दूर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग अब अपने दूसरे जो डाउट है बहुत ज़्यादा, कि भैया समय को लेके बहुत लोग परेशान है, भैया टाइम बता दो, टाइम बता दो, टाइम बता दो। देखो, जो गुरुजी की कथा टीवी पे आ रही है इस टाइम पे स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है 1 से 2 दिन में गुरुजी इस चीज़ को कन्फर्म कर दें कि कौन से टाइम पे पूजन कराएंगे, कौन से दिन कराएंगे। अभी तक है 14 अगस्त को कराएंगे, लेकिन हो सकता है आगे पीछे कुछ कर सकते हैं, वो तो उनके ऊपर है। टाइम की अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, तो सिर्फ आप अभी पूजन सामग्री नोट कर लो, कैसे क्या है। पूजन सामग्री मैंने बता रखी है, यूट्यूब पर सर्च करना पूजन सामग्री द नेचुरल प्लैनेट, पूरा लिखना, आपको पूजन सामग्री मिल जाएगी, ठीक है, परेशान नहीं होना। बात करते हैं समय की। समय अभी गुरुजी ने नहीं बताया है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा ना तो आपको पता नहीं चल पाएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो, तो दूसरा डाउट भी दूर हो गया कि समय की अभी कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा है भैया खाना वाला, क्या भैया उस दिन हम व्रत रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? तो अगर आप देखो, इस सावन के अधिक मास की शिवरात्रि है, इससे सुंदर दिन पूरे साल 365 दिन में कोई नहीं होता है। एक तो अधिक मास है, वो भी सावन महीने की, और आपको क्या करना होगा, अगर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है, कहने का मतलब कि अगर आप एक भी मेडिसिन नहीं खाते हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हो, तो आप इस दिन व्रत रह लेना। निराजल व्रत कोई नहीं रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। बहुत लोग बहुत कलाकारी करते हैं, निराजल रहते हैं और उसके बाद शाम को फिर सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं, किसी को निराजल व्रत नहीं रहना। व्रत रहना ही है तो फलाहार रहो, अच्छे से फल खाओ, सब कुछ खाओ पियो, सब कुछ का मतलब फलाहार में जो खाते हैं वो खाना, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर आपकी एज है, तो आप व्रत मत रहो। कोई बच्चे हैं उनको व्रत मत रखो जबरदस्ती, ठीक है। आपके हस्बैंड
हस्बैंड काम पे जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, उनको व्रत मत रखो। अगर आप काम काजू वाले हो व्रत मत रहो, मन साफ रखो, मन एकदम सच्चे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहना चाहो तो व्रत रह लो। अब व्रत तो रहोगे, लेकिन अगर घर में अगर जो लोग व्रत नहीं है तो आप कोशिश करना कि लहसुन प्याज खाने में ना पड़े उस दिन, है ना। तो वो बहुत पवित्र दिन है। लहसुन प्याज वाली बात गुरुजी ने बताई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आप खुद सोच के देखो कि पूजन हो रहा है घर में, इतना बड़ा हम लोग पूजन कर रहे हैं, शिवलिंग बना रहे हैं, भगवान गणेश की मूर्ति बना रहे हैं, माता गौरी को बना रहे हैं, और फिर घर में लहसुन प्याज बने, अच्छा नहीं लगता ना। तो कोशिश करना ये आप अपने रिस्क पे करना कि घर में लहसुन प्याज मत बनाना, वैसे भी बनाओ अच्छा लगता है, ठीक है, समझ में आई की बात। तो मुझे लगता है कि खाने वाला बात और जो व्रत वाली चीज़ें हैं वो दूर हो गएंगी। जो भी बुजुर्ग हैं जो उनकी तबीयत खराब रहती है, व्रत मत रखना, ये मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी जो स्वस्थ हो बिल्कुल व्रत रहो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से व्रत रहना भी चाहिए पूजन करने के लिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पर तीन डाउट दूर हो गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा डाउट और लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है, भैया जो हम मिट्टी लेंगे वो कहाँ से लेंगे। वैसे एक्चुअली मैंने इसकी पहले वीडियो बना रखी है कि अगर आप शूद्र हैं काली मिट्टी, वैश्य हैं तो पीली मिट्टी, इस तरीके से मैंने बता रखा है, क्षत्रिय हैं तो लाल मिट्टी, ऐसे बताया है मैंने। लेकिन अगर आपको लाल पीला इस तरीके से काली मिट्टी नहीं मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप महाशिव पुराण की कथा को सुनते हैं तो आपके घर में बेल का पेड़ ना हो, ज़रूर होगा सभी घरों में। तो जहाँ पर भी आपने बेल का पेड़ लगा रखा है, चाहे वो गमले में लगा रखा हो या फिर कोई बड़ा पेड़ हो, तो उस बेल पेड़ की मिट्टी को लेना और उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, ठीक है। ये चीज मैं आपसे इसलिए बार बार याद दिला रहा हूं कि आपको किसी भी पेड़ की मिट्टी नहीं लेनी है। कुछ लोग क्या किए थे पिछली बार, जो गलतियां की थी मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपको कुछ लोगों को याद भी आएगा। कुछ लोगों ने क्या किया कि उनके घर में माता तुलसी का पौधा लगा था, अब कहीं से नहीं पाए मिट्टी तो माता तुलसी की क्यारी में से ही मिट्टी को निकाल लिया, बहुत बड़ा दोष लगता है, बहुत बड़ा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ वैकुंठ चतुर्दशी पर ही माता तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल, उनकी मिट्टी का इस्तेमाल भगवान शिवलिंग के, मतलब भोले शंकर का शिवलिंग बनाने के लिए या फिर पूजन के लिए करते हैं, और पूरे साल में कभी नहीं करते। तो आपको ये गलती नहीं करनी, कहीं से भी किसी भी पेड़ की मिट्टी ले लो, जमीन से ले लो, बाहर से ले लो, नदी से ले लो, तालाब से ले लो, कहीं से भी ले लो, कैसी मिट्टी ले लो, लाल पीली हरी नीली कैसी भी ले लो, बस माता तुलसी के पेड़ के नीचे की मिट्टी बिल्कुल मत देना। देखो ये बातें मैं आपको याद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, छोटी छोटी गलतियाँ करोगे ना साल भर पछताओगे, मेरी बात ध्यान रखना। तो इसलिए गलती बिल्कुल नहीं करनी है, एक एक स्टेप उठाओ लेकिन बहुत ध्यान से, बहुत सोच विचार करके उसके बाद सारे काम को किया करो, ठीक है, समझ में आई बात। चलो तो मिट्टी वाली बातें भी हो गई, एक बात और बता रहा हूं। देखो सावन का अधिक मास है, इस बार शिवरात्रि भी है, तो आप क्या करेंगे, चाहे वो कोई, मतलब इस काम को पुरुष नहीं करेंगे, जो भी स्त्रियां मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं, चाहे आपकी शादी हो रखी है या नहीं हो रखी है, हरी चूड़ियां ज़रूर पहनना, बहुत शुभ माना जाता है। आप लोग अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों उनसे पूछ, मेरी बात भरोसा मत करो, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों उनसे पूछना कि सावन के महीने में हरी चूड़ी पहन के पूजन करने का क्या महत्व होता है। एक तो पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो और हरी चूड़ी पहनोगे सोने पे सुहागा होगा, बहुत अच्छा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो इसका बहुत अच्छा महत्व है, ठीक है। तो अगर शादी नहीं हुई है तो एक दो चूड़ियां डाल लो हाथ में, शादी हो गई है तो अच्छे तरीके से भरपूर चूड़ियां पहनो और पूजन करो, सभी लोग फोटो भेजना, भैया देखिए हमने हरी चूड़ी पहनी थी, मुझे बहुत खुशी होगी कि चलो मेरी बातें काफी लोगों ने सुनी थी, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो अगर हरी चूड़ियां हैं नहीं तो आज से ही खरीद दो, चाहे डिजाइनर ले लो, प्लेन ले लो, कैसी भी, बस वो हरी चूड़ियां होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब ज्यादा बकवास नहीं करता हूं और एक लास्ट चीजों की तरफ और बढ़ लेते हैं। भैया गुरुजी जो पूजन कराते हैं हमें समझ ही नहीं आता कि हम कैसे करें, कुछ तो छूट जाता है, उसका दो ऑप्शन है। पहला क्या करो, आपके पास में फ़ोन भी होगा, आपके घर में टीवी भी होगा, दोनों होगा, क्या करो, फ़ोन में यूट्यूब चैनल पे आता है उनके ऑफिशियल चैनल पे, उसको ऑन कर लो और फ़ोन का जो वॉल्यूम हो बिल्कुल स्लो कर लो, एकदम डाउन कर लो, जीरो कर लो, और जो टीवी का वॉल्यूम हो ना उसको बढ़ा लो, इंक्रीज़ कर लो, तो आप देखोगे दोनों जगहों पे और पूजन करने में ईजी होगी। टीवी का वॉल्यूम स्लो मत रखना, बहुत तेज़ रखना कि आपके गेट तक सुनाई दे, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो आपको पूजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। बाकी जो भी डिटेल मुझे बाद में पता चलेगी, जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करना, जितना कर सकते हो जहां कर सकते हो कर लेना, क्योंकि ये इस वीडियो में जो मैंने चीजें बताई ना वो आपको कहीं पर भी किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको तीन चीजें बनाने के बारे में बताया है, ठीक है। कोशिश की अच्छा समझाने की, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।